नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड राज्य में चुनाव आयोग की अनुमति के बाद जारी होगी शिक्षक तबादला की अधिसूचना। राज्य सरकार ने राज्य निर्वाचन आयोग से शिक्षकों की तबादला नीति में संशोधन को लेकर अनुमति मांगी है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव राजेश शर्मा ने इसे लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव को पत्र लिखा है। राज्य निर्वाचन आयोग को भेजे गए पत्र के अनुसार राज्य में प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्राचार्य प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों के तबादला के लिए पूर्व में लागू नीति में संशोधन किया गया है। आप सबको बता दूं कि 13 अप्रैल को कैबिनेट की हुई बैठक में इस पर स्वीकृति भी मिल चुकी है। कैबिनेट ने पंचायत चुनाव को लेकर लागू आदर्श आचार संहिता का हवाला देते हुए इस पर राज्य निर्वाचन आयोग से अनुमति लेकर ही अधिसूचना जारी करने के निर्देश स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को दिए हैं। इस आलोक में ही इस पर आयोग से अनुमति मांगी गई है। जानकारों का कहना है कि शिक्षकों की तबादला नीति आचार संहिता के दायरे में आती है, इसलिए इस पर आयोग की अनुमति मिलने की संभावना कम है। इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि पंचायत क्षेत्र में बड़ी संख्या में शिक्षक कार्यरत होते हैं। सरकार का बड़ा ऐलान, कर्मियों का बढ़ा महंगाई भत्ता, 1 जनवरी 2022 से होगा प्रभावी। राज्य सरकार के कर्मियों का महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी की राज्य सरकार ने स्वीकृति दे दी है। वित्त विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह ने शुक्रवार को इस बाबत अधिसूचना भी जारी की। यह लाभ 1 जनवरी 2022 से प्रभावी होगा। सातवें वेतनमान का लाभ ले रहे राज्य सरकार के कर्मियों का महंगाई भत्ता 31% से बढ़ाकर 34% कर दिया गया है, जबकि छठे वेतनमान का लाभ ले रहे कर्मियों का महंगाई भत्ता 196% से बढ़ाकर 203% कर दिया गया है। इसके अलावा पांचवें वेतनमान का लाभ ले रहे कर्मियों का महंगाई भत्ता 368% से बढ़ाकर 381% कर दिया गया है। पेंशन कर्मियों को भी इसी प्रकार महंगाई भत्ता का लाभ दय होगा। खबर है झारखंड के लोहरदगा से। लोहरदगा जिला के सिन्हात थाना क्षेत्र के बुटी पंचायत क्षेत्र में मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है, जिस पर सिन्हात थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी सुमेश्वर मांझी को गिरफ्तार कर शनिवार को जेल भेज दिया। बताया जाता है कि 3 वर्ष 9 माह की मासूम बच्ची के साथ स्वर्गीय निरंजन मांझी के पुत्र सुमेश्वर मांझी ने घिनौनी हरकत की। इस मामले में पीड़ित मासूम की मां के बयान पर सिन्हा थाना पुलिस ने सुमेश्वर मांझी के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर मेडिकल जांच के बाद लोहरदगा न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। खबर है झारखंड के खुट्टी से। खुट्टी के तोरपा में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया। वारदात को अंजाम देने का आरोप 6 नाबालिग लड़कों पर लगा है। पीड़िता एक शादी समारोह में शामिल होकर अपने घर वापस लौट रही थी। इस दौरान रास्ते में 6 नाबालिग लड़कों समूह बनाकर लड़के के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। तपकरा थाना क्षेत्र में हुई इस घटना में पुलिस ने सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आप सबको बता दूं कि यह घटना मंगलवार की बताई जा रही है, लेकिन शनिवार को सभी आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया और जेल भेज दिया। आप सबको बता दूं कि पीड़िता की मां की ओर से तपकरा थाना में शिकायत दर्ज कराई गई थी। खबर है झारखंड के खुट्टी से। खुट्टी के तोरपा में लाइटर का भय दिखाकर लूटपाट करने वाले गिरोह का पुलिस ने किया उद्भेदन। शनिवार को अनुमंडल पुलिस कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में SDPO ओम प्रकाश तिवारी ने बताया कि हुबहू पिस्तौल की तरह दिखने वाला लाइटर का भय दिखाकर राजेंद्र महतो से 2 अप्रैल को दोरमा के छाता नदी पुल के पास बाइक लूट की घटना को गिरोह ने अंजाम दिया था। इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप के इंडिया कैंप के लिए झारखंड की 7 फुटबॉलरों का किया गया है चयन। जमशेदपुर में नेशनल कोचिंग कैंप का आयोजन 23 अप्रैल से शुरू हो गया। झारखंड की 7 बेटियों का इंडिया कैंप के लिए चयन किया गया है। इसमें अंजलि मुंडा, सलीना कुमारी, सुधा अंकिता तिर्की, अष्टम उरांव, पूर्णिमा कुमारी, नीतू लिंडा एवं अनिता कुमारी शामिल हैं। इसमें विभिन्न राज्यों से कुल 33 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। 2 साल से नहीं मिली झारखंड के बच्चों को साइकिल, अब बच्चों के खातों में राशि DBT करने पर हो रहा है विचार। झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को साइकिल टेंडर के खेल में फंस गई। 2 वर्षों से विद्यार्थियों को साइकिल का वितरण नहीं किया गया है। आप सबको बता दूं कि राज्य में कक्षा 8 में पढ़ने वाले ST SC OBC और अल्पसंख्यक छात्रों को साइकिल देने का प्रावधान है। वर्ष 2020 में COVID-19 संक्रमण के कारण करीब 3 लाख बच्चों को साइकिल खरीदने की राशि उसके बैंक खाते में DBT नहीं की गई। आप सबको बता दूं कि वर्ष 2021 में कक्षा 8 के साथ कक्षा 9 में प्रोन्नति पा चुके करीब 6 लाख छात्रों को साइकिल वितरण करने की योजना बनाई।
जिसमें सरकार ने तय किया कि बच्चों को साइकिल की कीमत डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खातों में नहीं दी जाएगी, बल्कि कल्याण विभाग द्वारा साइकिल का टेंडर निकालकर साइकिल खरीदकर विद्यार्थियों के बीच बांटी जाएगी। लेकिन साइकिल खरीद के लिए टेंडर आज तक फाइनल नहीं हो सका। आप सबको बता दूं कि यह लगातार तीसरा वर्ष है जब छात्रों को साइकिल नहीं मिल पाई। आप सबको बता दूं कि वर्ष 2020 में कक्षा 8 में जो विद्यार्थी पढ़ रहे थे, अब वह 10 में पहुंच गए हैं। प्रावधान के मुताबिक कक्षा 8 के विद्यार्थियों को ही साइकिल उपलब्ध कराई जानी है। अब जाकर सूचना यह है कि राज्य सरकार द्वारा टेंडर की प्रक्रिया समाप्त करते हुए फिर से साइकिल की राशि बच्चों के खातों में डीबीटी करने पर विचार कर रही है। झारखंड में लू चलने के बाद फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, बारिश के हैं आसार। झारखंड में 25-26 अप्रैल से फिर कई जिलों में लू चल सकती है। मौसम विभाग ने पूर्व अनुमान में बताया है कि राज्य के गढ़वा, पलामू, कोडरमा तथा गिरिडीह में इसका व्यापक असर पड़ सकता है। 27 अप्रैल के बाद एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलेगा और राज्य के पूर्वी हिस्से यानी कि संथाल परगना में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश हो सकती है। आप सबको बता दें कि झारखंड के कई जिलों में बादल छाए रहने और कहीं कहीं हल्की बारिश होने के कारण शुक्रवार और शनिवार को मौसम का मिजाज थोड़ा बदल गया था। कहीं अधिकतम तापमान गिरा तो कई जिलों में छिटपुट बारिश भी हुई। बारिश और बादल के कारण झारखंड के कई जिलों का अधिकतम तापमान 3 से 8 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। रांची का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस गिर गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। बारिश के कारण साहिबगंज का अधिकतम तापमान तो 30 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। बोकारो का तापमान सामान्य से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे जाकर गिरकर 31 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। गोड्डा के महागमा जलापूर्ति योजना में भारी गड़बड़ी, एसबी ने 12 इंजीनियर और एक ठेकेदार पर दर्ज की प्राथमिकी। गोड्डा के महागमा, पथरगमा एवं बसंतराय ग्रामीण जलापूर्ति योजना में वित्तीय गड़बड़ी को लेकर एसबी ने जांच में दोषी मिले 13 लोगों पर शुक्रवार को केस दर्ज कर लिया है। केस एसबी की जांच रिपोर्ट पर सरकार की अनुमति से दर्ज किया गया। जांच में एसबी ने पाया कि योजना 1,64,00,000 की थी, लेकिन निर्माण कार्य आंशिक रूप से किया गया। ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के लिए प्राकलन की राशि बढ़ाई गई थी, जिसका अंतर जांच में करीब 69,00,000 पाया गया। इसके बाद 24 अप्रैल 2020 को एसबी ने विभाग को रिपोर्ट भेजकर मामले में प्राथमिकी दर्ज करने की अनुमति मांगी थी। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर झारखंड के इन पंचायतों को मिलेगा नेशनल अवार्ड। राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस यानी कि आज 24 अप्रैल के अवसर पर झारखंड की पंचायतों को उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। इनमें बोकारो जिले के पेटवार की बुंडू पंचायत को बाल हितेशी पुरस्कार, गिरिडीह जिले के बिरनी की कपिलो पंचायत को ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड एवं गिरिडीह जिले के बिरनी की बंगर कला पंचायत को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार दिया जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार जिला स्तर पर पूर्वी सिंहभूम को, प्रखंड स्तर पर खुट्टी के मुरहू और पूर्वी सिंहभूम के डुमरिया को एवं ग्राम पंचायत स्तर पर गिरिडीह के बिरनी प्रखंड की बांगर कला पंचायत और कपिलो पंचायत तथा पूर्वी सिंहभूम के मुसाबनी प्रखंड की मेरिया पंचायत को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा। बीएसएफ पासिंग आउट परेड में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने ली परेड की सलामी, किया पुरस्कृत। झारखंड के हजारीबाग स्थित सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र यानी कि मेरू की रानी झांसी परेड ग्राउंड में शनिवार को 370 नव आरक्षक पासिंग आउट परेड में शामिल हुए। बैच संख्या 156 एवं 157 के असम, केरला, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर एवं पुंडुचेरी के जवान पासिंग आउट परेड में शामिल हुए। 44 सप्ताह के कठिन परिश्रम, लगन एवं साधना के बाद इन्होंने बुनियादी प्रशिक्षण पूरा किया। दीक्षांत समारोह की मुख्य अतिथि केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने परेड की सलामी ली एवं परेड का निरीक्षण किया। उन्होंने बेहतर प्रदर्शन करने वालों को पुरस्कृत भी किया। इस अवसर पर महानिरीक्षक पीएस बेस भी मौजूद थे। झारखंड का देवघर एयरपोर्ट को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने हाईकोर्ट में दायर की अवमानना याचिका। झारखंड के देवघर एयरपोर्ट को लेकर गोड्डा से बीजेपी सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे की ओर से हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई है। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने याचिका दायर किया है। इसमें सिविल एविएशन एवं नोडल पदाधिकारी आदि को प्रतिवादी बनाया गया है। याचिका में कहा गया है कि देवघर एयरपोर्ट बनकर तैयार है, लोगों के सहयोग से एयरपोर्ट का अप्रोच रोड भी बनाया जा चुका है, लेकिन राज्य सरकार उसके पैरेलल अप्रोच रोड बनाने के लिए टेंडर कर रही है। राज्य सरकार अपने हिस्से का कार्य करने में देर कर रही है। एयरपोर्ट का ग्रिड भी नहीं बनाया गया है। एयरपोर्ट को पानी की आपूर्ति भी नहीं की जा रही है। ये हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना है। झारखंड में मिनी बैंक संचालक से लूटपाट के 3 आरोपी हथियार के साथ गिरफ्तार, लूटे रुपये भी बरामद।
झारखंड के गिरिडीह जिले में 18 अप्रैल को बागदौर थाना क्षेत्र की धरगुल्ली ढंड की टाड़ के समीप नकाबपोश अपराधियों द्वारा हथियार का भय दिखाकर सीएसपी संचालक संतोष कुमार से 6,53,000 की लूट और देर रात को बागदौरी डीह स्थित बलवंत पेट्रोल पंप में फायरिंग का लूटपाट का प्रयास मामले में पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके पास से लूटी गई राशि के साथ हथियार भी जब्त किए गए हैं। गिरिडीह एसपी अमित रेणु ने शनिवार को पपरवार टाण स्थित अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान यह जानकारी दी। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।